नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। सरकार बूंद बूंद पानी के संरक्षण की बात करती है। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़े जाने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। पूरी दुनिया भूजल के घटते स्तर से चिंतित है। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि किसी ने 3 दिनों तक पंप लगाकर लाखों लीटर पानी बेवजह बहाकर बर्बाद कर दिया तो आप पर क्या बीतेगी। यह हैरतअंगेज वाकया हुआ है छत्तीसगढ़ में और आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। फोन ढूंढने के लिए लाखों लीटर पानी की बर्बादी क्या अधिकारी की सनक नहीं है, यही है हमारा पहला सवाल। तो दरअसल एक अधिकारी ने फोन ढूंढने के लिए लाखों लीटर की पानी की बर्बादी की है तो क्या उसकी ये सनक नहीं है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के एक सरकारी अधिकारी ने अपनी सनक में जलाशय का लाखों लीटर पानी इसलिए बहा दिया क्योंकि साहब का फोन उसमें गिर गया था। पूरी दुनिया जानती और मानती है कि जल ही जीवन है, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक साहब इस दलील से इत्तिफाक नहीं रखते। उनके लिए तो मोबाइल ही जीवन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन महाशय ने अपने महज एक मोबाइल के लिए फसलों की सिंचाई के लिए लाखों लीटर पानी की तिलांजलि दे दी। पूरे देश में गर्मी के दिनों में पानी अमृत के समान होता है। छत्तीसगढ़ में भी किसानों के सामने सिंचाई के लिए पानी का संकट बरकरार है, लेकिन ये समस्या तो किसानों की है, उससे इन अधिकारी को क्या। इनके लिए तो इनका महंगा मोबाइल ही सब कुछ है। ये मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर इलाके के सबसे बड़े खेर कट्टा परल कोट जलाशय का है। इस जलाशय के पास कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर राजेश विश्वास अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। इसी दौरान जब उन्होंने सेल्फी लेने की कोशिश की तो उनका फोन जलाशय के करीब 15 फीट गहरे पानी में गिर गया। बस फोन को लेकर साहब की बेचैनी बढ़ गई और उन्होंने फोन को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शुरू में तो स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से फोन ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जब अधिकारी महोदय की ये कवायद फेल हो गई, तो उन्होंने जल संकट से जूझ रहे राज्य के एक जलाशय को ही खाली कराने का अजीबोगरीब फैसला ले लिया। अब जलाशय तो जलाशय ठहरा, स्विमिंग पूल नहीं, जहाँ पानी निकालना और भरना आसान हो। लेकिन बात साहब के महंगे मोबाइल फोन की थी, लिहाजा पानी निकालने के लिए 30 हॉर्स पावर वाले 2 डीजल पंपों को लाया गया और उसके बाद लगातार 3 दिन तक जलाशय का पानी यूं ही बहाया जाता रहा। एक एक इंच जमीन पर सिंचाई के लिए जूझते किसान पानी की बर्बादी देखते रहे और राज्य का सिंचाई विभाग सोता रहा। किसी का साहब का मोबाइल गिर गया, वहाँ पर बिगार पूछे, हम लोग को जानकारी नहीं है। मोहब्बत यहाँ कौन सा गाड़ी लगा कर डीजल पंप लगा के ना ट्रैक्टर कट गाड़ी लगा कर खींचे, यहाँ का पानी गिरा है, नुकसान हो ही गया। हम पूरा कितना पानी कर दिया, पानी बर्बाद हुआ है यहाँ। हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी अधिकारी महोदय के मुताबिक उन्होंने अपनी फोन बरामदगी के लिए बकायदा सिंचाई विभाग के एक अधिकारी से मौखिक अनुमति भी ली थी। हालांकि ये बात अलग है कि उन्हें अब इस अधिकारी का नाम भी याद नहीं। इरिगेशन डिपार्टमेंट SDO साहब। अच्छा, उनका नाम क्या होगा? चलो, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ जी। हाँ, उनसे आपने मिला नहीं हूँ, उनका नंबर। अच्छा, आपको उनका नंबर प्राप्त हुआ और आपने नंबर से उनको कांटेक्ट किया? तो उनसे बस एक रिक्वेस्ट किया था, उनसे एक रिक्वेस्ट ही किया, मतलब सर ऐसा ऐसा जगह में गिरा है तो ये क्या, मतलब उनके द्वारा बताया गया। हाँ, वो मतलब स्टोरेज वाला पानी है, मतलब जहाँ स्टोर हो जाता है। हाँ। वो नॉन यूजेबल वाला पानी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी तो ऐसे ही रहता है वहाँ पे। अधिकारी महोदय ने अपने मोबाइल के लिए लाखों लीटर पानी को बर्बाद कर दिया। अनुमान के मुताबिक 3 दिन तक 24 घंटे 30 हॉर्स पावर के 2 डीजल पंपों से करीब 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया। पानी की इतनी मात्रा से करीब 1,500 एकड़ जमीन को सींचा जा सकता था। पानी की बर्बादी की खबर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में हंगामा खड़ा हो गया है। फूड डिपार्टमेंट के खाद्य विभाग के एक अफसर का फोन गिर गया। उस फोन को निकालने के लिए संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार करते हुए 3 दिन तक 30 HP का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया और इतना पानी निकाला गया जिससे 1,500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह का कैलकुलेशन सामने आ रहा है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि
अधिकारी महोदय के फोन में आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए वो इतने बेचैन थे कि उन्होंने किसानों की सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को बर्बाद कर दिया। सुमी राजपन, रायपुर, गुड न्यूज टुडे। गर्मी में पानी अमृत के समान हो जाता है। इसी गर्मी के मौसम में छत्तीसगढ़ का एक अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक जलाशय का पानी 3 दिनों तक लगातार निकलवाता रहा। इतना ही नहीं, विश्वास नाम का यह अधिकारी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी करनी को जायज ठहरा रहा है। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या पद के अहंकार ने अधिकारी की समझ पर पर्दा डाल दिया था। जब इस मामले पर हंगामा मचा तो अधिकारी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आखिर गर्मी के दिनों में उसने लाखों लीटर पानी की बर्बादी अपने महज एक फोन के लिए क्यों की। छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया है। सरकार जल बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी ही सरकार की कोशिशों को पलीता लगाने में जुटे हैं। कांकेर के फूड ऑफिसर राजेश विश्वास का मामला कुछ ऐसा ही है। उन्होंने पानी में गिरे अपने खून को निकालने के लिए लाखों लीटर पानी को बेवजह बहा दिया। एक खून के लिए जलाशय का पानी बेकार में बहाना किसी भी तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन विश्वास साहब बड़े आत्मविश्वास से अपनी करनी को जायज ठहरा रहे हैं। अब फोन गिरने के बाद जो लोकल वहां के और लड़के जो नहा रहे थे उनके द्वारा फोन निकालने की कोशिश किया गया, क्योंकि अंदर में कुछ पत्थर वत्थर भी है और कांच का टुकड़ा उकड़ा भी है, इसलिए वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन फोन निकाला जा सकता है ये चीज उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि 10 फीट ही गहरा है। तो फिर लड़कों के द्वारा, जो आसपास के कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे, उनके द्वारा बताया गया अगर 2-3 फीट पानी अगर कम होता, जो कि गर्मी के आखिर। राजेश विश्वास का दावा है कि खबर उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बताई जा रही है, लेकिन शायद राजेश खुद लाखों लीटर पानी बहाने की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो करीब 1 लाख रुपए के मोबाइल के लिए पानी की बर्बादी की जगह मोबाइल निकालने का खर्च बता रहे हैं। जो भी हो रहा है अपने निजी खर्च, फिर निजी खर्च को यहाँ 50 से 1 लाख रुपए तक दिखा दिया गया, क्योंकि मोबाइल का कीमत ही है 90,000 के आसपास। तो उसको मैं 1 लाख तक क्यों खर्च करूँ। तो इसको ये फोन निकालने में कितने का खर्चा आया होगा आपको, एक टेंटेटिवली अगर आप बताएं कि कितने का खर्चा आया है। और सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए खर्चा आया उसमें। 7 से 8 हजार रुपए किसमें खर्चा आया आपको? फूड ऑफिसर शायद ये नहीं जानते हैं कि उनके ही राज्य यानी छत्तीसगढ़ में राज्य की कुल भूमि के केवल 32% हिस्से को सिंचाई सुविधा मिल पाती है। उनकी सरकार किसानों की वर्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए सिंचाई की सुविधा के लिए लगातार कोशिश कर रही है, और ये साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कानूनी दायरे में रहकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी से अनुमति लेकर पानी की बर्बादी की है। SDO साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा चूंकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहां पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। 1-2 नहीं बल्कि 3 दिनों तक जलाशय का पानी यूं ही बर्बाद होता रहा और जल संसाधन विभाग के अधिकारी कानों में तेल डालकर सोए रहे। जब इस मामले में हंगामा हुआ तो आनंद फानंद में जिला अधिकारी ने फूड ऑफिसर राजेश विश्वास को सस्पेंड करने का आदेश पारित कर दिया। कांकेर जिला के पखांजूर में स्थित एक जलाशय के पानी को एक अधिकारी के द्वारा बेवजह खाली कराने का मामला संज्ञान में आया है। पूरा मामला बहुत ही गंभीर है, जिला प्रशासन इसकी जांच कर रही है और इस प्रकरण में जो भी दोषी होंगे, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से हरकत करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया। जिलाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण में जल संसाधन विभाग के SGO की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्हें भी 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। इधर BJP ने इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
जो कांग्रेस राज में, पूरे सरकार में, पूरी कांग्रेस में, पूरे तंत्र में ये चल रहा है, ऐसे अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए जो किसानों के साथ इस तरह की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। जिस राज्य की 70% आबादी की किस्मत कृषि से जुड़ी हुई हो, वहाँ किसानों के हितों की अनदेखी चिंता पैदा करती है। राजेश जैसे अधिकारी अपने एक फोन के लिए किसानों की किस्मत के साथ खिलवाड़ करते हैं और आम लोगों को ये बताते हैं कि किस तरह से पूरा सिस्टम उनके पैरों में पड़ा रहता है। सुमी राजप्पन, रायपुर, गुड न्यूज टुडे। मामले के प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन और सरकार सब लोगों की आंखें खुली। जब आरोपी अधिकारी पर एक्शन की मांग की जाने लगी तो आनन फानन में फूड ऑफिसर को सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया गया। हमारा तीसरा सवाल दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा तीसरा सवाल है कि क्या अधिकारी के गैर जिम्मेदार रवैये पर कार्रवाई में देरी हुई। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुमी राजप्पन। इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आई है। पहला तो ये कि मौखिक ऑर्डर देना इरिगेशन डिपार्टमेंट में अलाउड नहीं है, इनफैक्ट क्रिमिनल माना जाता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में डैम के हर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन करने का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ा गया मौखिक परमिशन देकर। दूसरी लापरवाही ये था कि 3 से 5 दिन तक लगातार वो डीजल पंप चलता रहा और किसी ने सुध नहीं ली। फाइनली आज इस पूरे कार्रवाई को इंक्वायरी बिठाया गया और इस पूरे मामला जब मीडिया में बाहर आया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंक्वायरी बैठने के बाद आज राजेश विश्वास को, फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ को, जिन्होंने मौखिक ये परमिशन दिया था, आरके ढिवर को भी शो कॉज नोटिस। लाखों लीटर पानी बहाने के आरोपी अधिकारी ने अपने बचाव में बताया कि उसने जलाशय से पानी निकालने के लिए जल संसाधन विभाग की अनुमति ली थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि अनुमति लिखित ना लेकर मौखिक रूप से यानी कि वर्बली ली गई थी। इधर मौखिक अनुमति देने वाले अधिकारी ने दावा किया कि उनको अंधेरे में रखकर जलाशय से ज्यादा पानी की निकासी कर ली गई। तो हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि क्या जल संसाधन विभाग में भी इस मामले में लापरवाही बरती है, जो कि दिख तो यही रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुमीरा चप्पन। 3 दिन तक लगातार एक 30 एचपी के डीजल पंप से 3 से 5 फीट पानी निकाला गया खेरकट्टा डैम से और किसी भी अधिकारी ने ये सुध नहीं ली कि बिल्कुल उस जगह पे जाकर वेरीफाई कर सके ये पूरी चीज, ये पूरा डेवलपमेंट क्या हो रहा था। और बिल्कुल यही चीज सामने आई 5वें दिन, संडे को ये फोन गिरा था डैम में और 5वें दिन ये पूरी जानकारी अधिकारियों के सामने आई कि बिल्कुल मौखिक ऑर्डर दिया गया था इस फोन को रिकवर करने के लिए। पानी विड्रॉ करने का जो परमिशन है वो एक मौखिक ऑर्डर है। तो इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से लापरवाही सामने आई और कार्रवाई करने में देरी हुई, उसने इस पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक्सपोज कर रख दिया है। जलाशय से पानी निकलवाने के लिए हेवी ड्यूटी पंप्स को लगाया गया था। 30 हॉर्स पावर के 2 डीजल पंप 3 दिनों तक लगातार पानी निकालते रहे। इससे जलाशय का करीब 21 लाख लीटर पानी यूं ही बहाकर बर्बाद कर दिया गया। हमारा अगला और पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के लिए कितना जरूरी हो सकता था बर्बाद हुआ पानी। अनुमान है कि 21 लाख लीटर पानी से 1,500 एकड़ जमीन को सींचने लायक बनाया जा सकता था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जल प्रबंधन विशेषज्ञ रामवीर तवर। क्या कुछ कह रहे हैं वो, गौर से सुनिए। जितना क्षेत्रफल और गहराई इस वाटर बॉडी की बताई जा रही है, उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आराम से 1,000 से 1,200 एकड़ खेती के लिए ये पर्याप्त होता और सैकड़ों किसानों के लिए भी ये एक तरह से जीवनदायिनी था पानी। अभी जो समय चल रहा है, अभी मई का समय चल रहा है, जून स्टार्ट होने वाला है और इस समय पर देश भर में पानी की किल्लत जोरों पर है। यूं कहूंगा तो जो खेती का पानी है, सिंचाई का पानी है, उसकी इस समय पर बड़ी किल्लत होती है। लोगों के बीच में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ कि एक महंगे फोन को ढूंढने के चक्कर में उतना पानी खाली कर दिया गया,
वह सच में अधिकारी हो या नेता, वो खुद को सिस्टम से ऊपर समझते हैं। वो चाहते हैं कि आम लोग तो कानून का पालन करें, लेकिन जब उनकी बारी आए तो रसूख दिखाकर कानून को नजरअंदाज कर दें। छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी के जलाशय से पानी बर्बाद करने की घटना ना तो पहली है और ना ही आखिरी। तो हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि क्या कुछ अधिकारी रौब जमाने के चक्कर में मनमानी कर बैठते हैं। नेता हो या अधिकारी, कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जब उनकी सनक ने सिस्टम को ठेंगे पर रखा और अपनी मनमानी की है। दरअसल अधिकारियों और नेताओं के दिमागी फितूर की ऐसी अजीबोगरीब दास्तान अव्यवस्था से करहाते आम इंसान का दर्द बढ़ाने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांकेर के एक फूड इंस्पेक्टर ने पानी में गिरे अपने 1 लाख के मोबाइल को ढूंढने के लिए करीब 21 लाख लीटर पानी को बेजाह बहा दिया। साहब का मोबाइल तो मिल गया, लेकिन उनके बेपनाह मोबाइल प्रेम की वजह से छत्तीसगढ़ के किसानों की करीब 1500 हेक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित रह गई। पर इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। ओहदे की हनक जब सनक बनकर सर पर सवार होती है तो नफे नुकसान का बुनियादी विवेक द्रोहित हो जाता है। इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने दिल्ली से आ रहे अपने डॉगी को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन की पूरी ताकत झोंक दी। ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त रह चुके अनय द्विवेदी के दिल्ली में रहने वाले आईएएस भाई ने 2 डॉगी भेजे। दोनों डॉगीज 4 व्हीलर से लाए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये लोग खाना खाने के लिए ग्वालियर के बिलोआ इलाके में एक ढाबे पर रुके। इसी बीच दोनों डॉगी चैन छुड़ाकर भाग निकले। स्टाफ के लोगों ने दोनों कुत्तों का काफी दूर तक पीछा किया। 2 किलोमीटर की मैराथन के बाद एक डॉगी तो धर दबोचा गया, लेकिन दूसरा भाग निकला। अब कुत्ते की तलाश में नगर निगम से लेकर पुलिस प्रशासन तक के अधिकारियों कर्मचारियों ने रात दिन एक कर दिया। उसके बाद भी जब कुत्ता नहीं मिला तो पूरे शहर में गुमशुदा कुत्ते की तलाश में इनामी पोस्टर चिपकवा दिए गए। उस दौरान पुलिस प्रशासन की नींद गायब हो गई थी। थाना बिलुआ क्षेत्र के अंतर्गत तो अभी हाईवे पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी से कुछ सदस्य उतर के ढाबे पे खाना खा रहे थे। उसी समय गाड़ी से जो उनके साथ एक कुत्ता था वो गाड़ी से उतर के कहीं ढाबे के आसपास कहीं चला गया है। उसको काफ़ी खोजा गया तो उन्हें नहीं मिला। देन उसके बाद वो थाने पर आके इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। अपने छोटे से काम के लिए पूरा प्रशासनिक अमला झोंक देने वाले नौकरशाहों से जब जनहित से जुड़े सवाल किए जाते हैं तो वो भड़क जाते हैं। पिछले साल सितंबर में पटना में बच्चों की अवेयरनेस के लिए हुई एक वर्कशॉप में जब एक लड़की ने आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बमहरा से सैनिटरी पैड पर सवाल किया तो वो भड़क गई। बच्ची की मांग पर आईएएस महोदया ने ऐसी बात कह दी कि वहाँ मौजूद सभ्य समाज शर्मसार हो गया। हर कुछ दिनों पर बेलगाम अधिकारियों के किस्से सामने आते रहते हैं, जिसमें वो अपनी पहुंच और रसूख का इस्तेमाल कर सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में हमारा आखिरी और सातवां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि नेता अधिकारियों की सनक सिस्टम क्यों नहीं रोक पाता है। क्या अधिकारियों की हनक का कनेक्शन उनके मनोविज्ञान से है, इसके बारे में बता रहे हैं साइकोलॉजिस्ट नम्रता ओहरी। मोबाइल एक तालाब खा गया तो मैं उस तालाब को भी नहीं छोड़ूंगा। सो दैट मीन्स क्या हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हम अपने भौतिक चीजों के लिए, अपने फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को परेशान करेंगे? क्या हम ये भूल गए हैं कि नेचर अगर एक झटका दे तो हम कहीं भी नहीं नजर आएंगे? सो वी रियली नीड टू थिंक ऑफ, हमें बहुत ही माइंडफुल होकर ये सोचना पड़ेगा कि तो इसी के साथ 7 बजे साफ सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।